पितृपक्ष के मौके पर नगर पंचायत पागबड़ा में सोमवार को कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसे में पागबड़ा के समाजसेवी युवाओं द्वारा जनसेवा करने का काम किया गया। पागबड़ा के स्थानीय निवासी सोनू गुप्ता अपने साथियों के साथ मुख्य मार्ग पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीठा शरबत वितरण कार्यक्रम को आयोजित करने के उपरांत सभी राहगीरों को शीतल जल एवं मीठा जल वितरित किया। सोनू गुप्ता द्वारा बताया गया कि आज गर्मी बहुत है और हमारी नगर पंचायत पागबड़ा में कलश यात्रा निकाली जा रही है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए थोड़ी राहत दिलाए जाने के उद्देश्य को लेकर उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा शीतल मीठे जल का वितरण किया जा रहा है, ताकि हमारे धर्म प्रेमियों को गर्मी की शिद्दत से थोड़ी राहत मिल सके। शीतल जल वितरण करने का मकसद सिर्फ यही है कि गर्मी से बचा जाए और लोगों को इस गर्मी से राहत दिलाई जाए। आज उनके साथ उनकी टीम के युवाओं द्वारा सभी राहगीरों को शीतल जल और मीठा जल पिलाया गया है। आगे भी उनके द्वारा इस तरह के सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। मन में बस भगवान के प्रति श्रद्धा और लोगों की सेवा हो सके, ये भाव था हमारा। कैसी रही यात्रा आपके क्षेत्र से जो निकली है कलश यात्रा? भगवान श्री कृष्ण जी की जो भगवत यात्रा निकली, उसके प्रति हमारी बहुत अच्छी कामना यही है कि हर व्यक्ति सुखी रहे और अपने पागबड़े में अमन चैन कायम रहे। क्या संदेश देना चाहते हो पागबड़ा की जनता को? पागबड़ा की जनता से यही कहना चाहते हैं हम कि आपस में भाईचारा बना कर रहें और एक दूसरे का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी श्रद्धालुओं से यही मेरी प्रार्थना है कि भगवत कथा सुनने के लिए पहुँचें और अपने क्या कहते हैं अपने मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और क्या कहते हैं धर्म लाभ भी कमाएं। Thank you.